आज ही पंडित जी बच गए, क्या पता कल ना बचे। बड़ी रानी माँ, आज बड़ी रानी माँ की साजिश नाकाम हुई, क्या पता ये कल कोई नई साजिश रचेंगे। राना जी सोचिए, राना जी। गायत्री, अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि राणा जी की तकलीफ भी नहीं दिखाई देती। तुम्हारी मांग में तो सिंदूर है नहीं, अब क्या हमारी मांग का भी सिंदूर उजाड़ना चाहती हो? उजाड़ा तुमने है राकेश्वरी, इस हंसते खेलते परिवार को तुमने राणा जी को उनकी मां से, उनके प्यार से, उनके परिवार से अलग कर दिया। पर अब और नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बस राणा जी, अब आप कमजोर नहीं पड़ सकते। आपको याद करना होगा, आपको सब कुछ याद करना होगा। राणा जी, राणा जी। शांत हो जाइए राणा जी, शांत हो जाइए। हमें पता नहीं रानी गायत्री को हमसे क्या दुश्मनी है, जो ये हम पर इतने घिनौने इल्जाम लगा रही हैं। फिर भी हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप इन्हें सजा दीजिए। आप जो भी फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। नहीं बड़ी रानी माँ, हम सब जानना चाहते हैं। जी जी हाँ। आज अभी और इसी वक्त आपने ये सब क्यों किया? आपने हमें धोखा क्यों दिया? राणा जी, मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। मुझे पता है उस हादसे के पहले आपको कुछ भी याद नहीं है। हम उस हादसे की पहले की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। अगर आप सच्ची हैं तो आपके सच को फरेब की बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़ी? आप गायत्री से सावित्री क्यों बनी? अगर आपके मन में सच होता तो आप सीधा आके हमें बता देती। सच तो यह है कि आपके मन में छल था। जो काम उस दिन पहाड़ी पर अधूरा रह गया, आप उसे पूरा करने के लिए मौका देख रही थी। है ना? नहीं राणा जी, मैं मौका ढूंढ रही थी पर आपको सच बताने का। क्या सच बिना झूठ के सहारे नहीं कहा जा सकता? कई बार सच में झूठ मिलाना जरूरी होता है राणा जी। सोना सिल्वर तब बनता है जब उसमें पीतल मिलाया जाए। हाँ राणा जी, मैंने ये रूप अपनाया, मैंने आपसे झूठ कहा, पर इस झूठ पर मुझे सच से भी ज्यादा गर्व है, क्योंकि मैंने ये झूठ अपने सुहाग को वापस पाने के लिए बोला, आपको सच बताने के लिए बोला। राणा जी, मैं तो उस दिन पहाड़ी से गिरकर मरी गई होती, वो तो लाखन ने मुझे बचाया। लाखन, मैं महल जाऊंगी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं महल जाऊंगा और वहां से आपको सारी खबरें लाकर देता रहूंगा। उस हादसे के बाद से राणा जी अपनी याददाश्त खो बैठे। राणा जी अब आपसे नफरत करते हैं, आपके नाम से भी नफरत करते हैं। वो समझते हैं कि आपने उन्हें मारने की कोशिश की थी। फिर मुझे पता चला कि आपने राजमाता को काल कोठरी में बंद कर दिया। तब मैं समझ गई कि अगर मैं अमर कोठाई तो आपके सामने पहुंचने के पहले मुझे लोग मार डालेंगे, और अगर मैं आपके सामने आ भी गई तो मेरा भी वही अंजाम होगा जो राजमाता का हुआ। फिर आपको और आमिर कोट को बचाने के लिए कोई नहीं बचता, इसलिए मैं महल में आई सावित्री के रूप में। महादेव, मेरे पति को,
मेरे परिवार को आमिर कोर्ट को बचाने के लिए राह दिखाइए। मैं अपने घर में नौकरानी बनी, आपकी और राकेश्वरी की हजार कोशिशों के बाद भी मैंने इस महल को छोड़ा नहीं। हमने तुम्हारे लिए एक काम सोचा है, आज शाम हम अपनी मनपसंद घोड़ी हसीना को लेकर घुड़सवारी के लिए जाएंगे। तुम्हारा काम हसीना को तैयार करना, और अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो तुम्हें महल छोड़कर जाना होगा। इस महल में रहने के लिए कुछ भी कर सकती हो जी। ये संदूक बहुत पुराना है, इस संदूक को महल के बाहर लेकर जाओ। और इस दौरान अब पत्थर बने रहे, पर मैंने इस पत्थर को पिघलते हुए देखा और तब मुझे समझ आया कि राकेश्वरी का कब्जा सिर्फ आपके दिमाग पर है, आपके दिल पर नहीं। और यही बात मुझे इस महल में रहने का हौसला देती रही। बिल्कुल झूठ, आप रुकी रही क्योंकि आपको सावित्री के रूप में राणा जी का विश्वास दोबारा जीतना था ताकि उसे फिर से तोड़ सके। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों हमारे राणा जी के साथ आपने ये किया? आपकी दुश्मनी हमारे साथ थी, आप हमारी जान मांगती तो हम हंसते हंसते दे देते, लेकिन नहीं, आपने हमारे पोते पर निशाना साधा। एक बार हमारे पोते पर गोली चलाकर आपको चैन नहीं आया तो भेष बदलकर महल में आई ताकि बचा खुचा काम पूरा हो सके। नाना जी, मैं मानती हूँ मेरा रास्ता गलत था, पर मेरी मंजिल गलत नहीं थी। मैं आपको सच बताना चाहती थी, मैं राणा इंद्रवर्धन सिंह देव के अंदर सोए हुए अपने राणा जी को उठाना चाहती थी। बोल रही है ये, आपको राणा जी ये सदा सदा के लिए सुला देना चाहती थी। पूरा षड्यंत्र रच के महल में आई है, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा हमारे भोले भाले पोते ने जो उसके साथ इस तरह कर रही हो तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें? इतने दिनों से मैं महल में हूँ, मैंने आज तक आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। वो इतनी बुरी थी जितना आप कह रहे थे, तो आप इसके संग इस तस्वीर में खुशी में बावड़े क्यों हो रहे हो? हमारी माँ ने हमारी पत्नी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की। आपने अपनी लुगाई और अपनी अम्मा को बात करते हुए सुना? आंखों ने देखा कोने? तारी अम्मा थारे को कभी धोखा ना दे सके। झूठ की भी हद होती है गायत्री। राणा जी, आप इसकी कहीं एक बात पे यकीन मत कीजिएगा। इन्हें बोलने दीजिए बड़ी रानी माँ। राणा जी, याद करने की कोशिश कीजिए, मेरा पर गोली चलाना राकेश्वरी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए आपकी और मेरी चाल थी। मैं आप पर नकली गोली चलाने वाली थी, पर फिर बड़ी रानी माँ ने नकली गोलियों को बदलकर असली गोली कर दी। और फिर मैंने बंदूक चलाई और आप मेरा निशाना बन गए। नानी जी, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी था कि राकेश्वरी का साथी कौन है। मुझे जवाब चाहिए थे नाना जी। तो ये साबित करने के लिए कि हम वो साथी थे, आप इस झूठे पंडित को यहाँ ले आई, इससे झूठी गवाही दिलवाई, इस झूठे पंडित को झूठ बोलने के आया। तुझे तो हम देखेंगे पंडित। Ooh,
झूठा इल्जाम लगाया ताकि आपके किए गुनाह का इल्जाम हम पर आए। राणा जी हमसे नफरत करने लगे। राणा जी देख लीजिए, राणा जी अब तो आप तलवार निकाल के हमारा सर यही कलम कर दीजिए। वैसे भी रानी गायत्री के इल्जामों से हम जीते जी मर गए। हाँ राणा जी, गायत्री ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो हमसे जलती है। चला उनसे जाता है जिनके पास कुछ हो। हमारे पास वो सब कुछ है जो तुम चाहती हो, रानी का तख्तो ताज, राणा जी, और मुझे एक रानी से जलन की होगी। मैं रानी नहीं, पत्नी बनना चाहती हूं। और तुम सिर्फ एक रानी हो, तुम ना ही कभी पत्नी थी और ना ही कभी बन सकती हो। और राणा जी तुम्हारे हुए ही कब थे कि मैं तुमसे जलूं? तुम्हारी हर चाल, हर वशीकरण नाकाम हुआ। राणा जी सब कुछ भूल गए लेकिन मेरे प्यार का एहसास अब तक नहीं भूले, इसलिए चाहकर भी तुम राणा जी के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सके। राणा जी के दिमाग से मेरी यादें मिट गई पर राणा जी के मन से मेरा प्यार नहीं मिला। प्यार तो आत्मा से आत्मा का बंधन होता है, इसलिए मैं बदल गई। लेकिन फिर भी राणा जी बनते रहे, मेरे पास आते रहे, और तुम और तुम्हारी साजिशें राणा जी को रोक नहीं पाई। सावित्री एक तुम ही हो इस महल में जिस पर हम विश्वास करते हैं। ले लो सावित्री। राणा जी मैं आपको सच बताना चाहती थी, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। आपने हमसे आपको बेटा बोलने का हक तो छीन ही लिया राणा जी, लेकिन एक मां ने, गायत्री की सास होने के नाते, कि हमारी बहू ने इस घर को वापस घर बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर दी। हम जानते हैं कि आपके लिए आंखों देखा झुटलाना मुश्किल है, लेकिन बस एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या हमारी बहू झूठ बोल रही है? सोचिए राणा जी। हमने भी अपने दिल से बहुत बार पूछा है बहू रानी, और नतीजा ये कि हम गायत्री के झांसे में आ गए। सोचिए राणा जी, अगर हम गायत्री से दुश्मनी रखते और हम जानते थे कि ये सावित्री के रूप में आई है, तो क्या हम सावित्री को आपके नजदीक आने देते? सोचिए, हमारा मकसद तो कल भी यही था, आज भी यही है और कल भी रहेगा, आपकी खुशी। गायत्री को माफ करके हमें सजा देने में आपकी खुशी है तो हमें हंसते हंसते वो सजा मंजूर है। इस बात का जवाब दीजिए रानी गायत्री।
अगर बड़ी रानी माँ आपकी दुश्मन है तो वो सावित्री और हमें पास क्यों ला रही थी? हमने आपको बोलने का मौका दे दिया, पर सच तो ये है कि उस दिन पहाड़ी पर आपने हम पर गोली चलाई थी। और बड़ी रानी माँ का वहां मौजूद होना बस एक कहानी है। क्या आप इस कहानी को सच साबित कर सकती हैं? और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो हम आपको अपनी हत्या के साजिश के आरोप में काल कोठरी में बंद करेंगे। बोलिए रानी गायत्री, आपकी खामोशी में ही आपका जवाब है। सिपाहियों, रानी गायत्री और राजमाता को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। नहीं कर सकते, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आप मेरी बात मानिए, मैं सच कह रही हूँ। राणा जी ले जाओ इन्हें। राणा जी, सावरिया। और आप पंडित जी, जब तक सच सामने ना आ जाए आप हमारे निगरानी में रहेंगे। राणा जी, आपने हम पर विश्वास करके हमारे प्यार की लाज रख ली। हम आपके प्यार, आपकी ममता पर कभी नहीं शक कर सकते बड़ी रानी माँ, कभी नहीं। बड़ी रानी माँ, आपने खुद को तो बचा लिया, लेकिन हमारा क्या होगा? शेरनी जब शिकार करती है तो उसके साथ चलने वाले चील कौओं का भी भला हो जाता है। बस राणा जी, एक बार इस गायत्री और उस बहुरानी को सूली पर चढ़ा दें, उसके बाद हम तुम्हें अमेरकोट की इकलौती रानी बना देंगे। देरे होते हुए सच हार गया माँ, मेरा प्यार हार गया। अब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रह गई। क्या करने हैं? प्यार तो मर चुका है, प्यार की लाश को कंधा देने आए हैं।
आज तक मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करती थी कि वो आपकी याददाश्त आपको लौटा दे, पर अब प्रार्थना करूंगी कि आपको कभी कुछ याद ना आए। जिस दिन आपको सब कुछ याद आ जाएगा, आप अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे, आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सब खत्म हो चुका है, प्यार भी और विश्वास भी। और अगर हम आपको कहें कि हमें आपकी बातों पर विश्वास है तो आप हमें कहती थी ना कि हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। हमने अपने दिल की बात सुनी और हमारा दिल कहता है कि आप सच कह रही हैं। पर हम एक राजा हैं और राजा दिल की बात सुन सकते हैं, मान नहीं सकते। आपने जो कहा क्या आप उसे साबित कर सकती हैं? अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे ना तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। तो फिर हम आपको अपनी बात साबित करने का मौका जरूर देंगे। हम आपके ऊपर, आपके प्यार के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं। अब विश्वास कराना आपके हाथ में है।